बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, आप देख रहे हैं वाच टाइम्स, में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन आपको मालूम है कि नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर पाकिस्तानी आवाम के जज्बात से खेला जा रहा है, पाकिस्तानी आवाम को लूटा जा रहा है तरह तरह मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए। और आपको ये भी मालूम है कि वॉच टाइम्स के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह जिस कंपनी के मतलब जो कुछ कहा सच साबित हुआ। अभी फॉर यू रियल ट्रेडर्स के जो मालिक थे शेख साजिद हुसैन, वो भी सऊदी अरब चले गए। और मैंने पहले वी लॉक करके बता दिया था कि पार्टनर्स की चपलेश की वजह से, क्योंकि बाज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि शेख साजिद हुसैन शायद कुछ डिलीवर कर पाए, लेकिन जब पार्टनर्स की लड़ाई होती है तो यही कुछ होता है। फॉर यू रियल ट्रेडर्स वाले अब दावे तो यही किए जा रहे हैं कि हफ्ते 10 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे, इसमें कितनी सदाकत है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको एक बात बता दें कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान में जो आपको महाना 8 से 10%, 5 से 7%, 25% तक का प्रॉफिट का झांसा दे, उसने फ्रॉड करना होता है, क्योंकि उनके पास मनी जनरेशन कोई नहीं होती, सिर्फ मनी रोटेशन होती है। आज मैं स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के दावेदार नौसरबाज मालिक हैं नवीद अख्तर, उनके खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और जो वॉलेट हैं, यानी कि नवीद अख्तर ने अपने नाम के ऊपर वॉलेट नहीं बनाए, दो उसने लोग रखे हुए हैं जिनके ज़रिए वो बाइनेंस और दीगर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करता है और लोगों को लूटता है, क्योंकि यहाँ से जितना पैसा उठाया जाता है वो सिर्फ मनी रोटेट करके वो लोगों को प्रॉफिट देता है। और अब तो ये हुआ कि इस माह का विड्रावल बंद हो गया, ऑलरेडी 3 माह से हम कह रहे हैं। स्मार्ट ग्रुप का ताल्लुक है, स्मार्ट ग्रुप के जितने भी लीडर्स थे उन तमाम को FIA ने तलबी का समन जारी कर दिया। प्रोग्राम में आगे वो समन भी चलाऊँगा और आपको बताऊँगा कि फॉर जो स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो नौसरबाज मालिक हैं उन्होंने अब तक कितना पैसा इकट्ठा किया, उनके अकाउंट्स में कितनी कितनी रकूम है और आप इनसे पैसे कैसे वापस ले सकते हैं, क्योंकि इन नौसरबाजों ने, ये वही नौसरबाज हैं जो माजी में मुख्तलिफ कंपनीज़ में रहते हैं फिर अपनी कंपनीज़ बना देते हैं। मैंने प्रीमियम टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर प्रोग्राम किया था, उसके जो मालिक थे एडवोकेट हैं तैयब खान साहब, उनकी मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा जी आपने किस सेंस में मुझे कहा कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। तो मैंने उनको बोला कि क्योंकि 2 दिन कबल मैं मसरूफियात की वजह से मैं प्रोग्राम भी नहीं कर सका, कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वहाँ पे बिज़ी था। तो मैंने उनको कहा जी आप महाना 8 से 10% प्रॉफिट दे रहे हैं, उन्होंने कहा जी 10 नहीं 11 के 12% उन्होंने वर्ल्ड इस्तेमाल किया, हम इतना प्रॉफिट दे रहे हैं। मैंने कहा मनी जनरेशन कहाँ पर है, क्योंकि प्रीमियम टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो इससे कबल फ्रिस्पी में भी थे और दीगर कंपनीज़ में भी थे। फिर आपको याद है कि वन टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो मालिक हैं ज़ुबैर हनीफ, उन्होंने भी अपने साथ जिन नौसरबाजों को अटैच किया हुआ है वो लोग भी मुख्तलिफ कंपनीज़ में कमीशन एजेंट रहे और ये लोग भी मुख्तलिफ कंपनीज़ में बतौर कमीशन एजेंट काम करते रहे। अब इन्होंने अपनी कंपनीज़ में नहीं, जहाँ तक प्रीमियम टेक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो मालिक हैं तैयब खान जो एडवोकेट हैं, कल उन्होंने फिर थोड़ा सा मुझे कहा जी हम आपको सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो मैंने कहा जी ज़रूर आप जहाँ मर्जी तक लेके जाएँ, क्योंकि मेरे पास एविडेंस है कि आप लोगों से पैसा उठा रहे हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, तो उसको आप कैसे जुटलाएँगे। क्योंकि तैयब खान साहब का ये दावा है कि वो किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, वो तो सिर्फ एक जो सोलर है, सोलर का प्लांट है, इस तरह की कुछ बातें की थी। लेकिन मैं उनको लिंक भेजूंगा तैयब खान साहब को, वो अपना मौकफ़ देंगे। लेकिन ताहिर नसीर अभी भी अपने इस दावे पे कायम है कि तैयब खान साहब ने भी फ्रॉड करना है, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो सकता। जहाँ तक स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की नाज़रीन बात है, स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को FIA का दोबारा से बुलावा आना शुरू हो चुका है और आप ये नोटिस मैं चला रहा हूँ, ये स्मार्ट ग्रुप के जो मालिक हैं नवीद अख्तर, इनको नोटिस सर्व हुआ है और इनका आगे CNIC नंबर सारा कुछ लिखा हुआ है। इनके खिलाफ़ एक इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी नंबर 18/24 ये इंक्वायरी है और इनके ऊपर एलिगेशन है कि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज। इनको कहा गया है कि आप FIA एंटी करप्शन सर्कल में आप पेश हों, क्योंकि आपको इससे कबल भी बुलाया गया था 11 मार्च 2024 को, फिर आपको 22 मार्च 2024 को बुलाया गया था लेकिन आप पेश नहीं हुए। अब आपको 15 जुलाई को दोबारा तलब किया गया है कि आप तमाम रिकॉर्ड के साथ पेश हों। अच्छा, यहाँ पे ये नोटिस है, इनको नहीं मिला नाज़रीन, ये नोटिस जो है ये मिले हैं जो इमरान कियानी है, जिनका अब्दुल लतीफ़ है, फिर जो इनका राना इमरान है, मलिक नवीद है, सरदार अयाज है, नाजिम राजपूत है, उज़्मा खान है, आमिर बशीर है,
कि जितने ये नौसरबाज कमीशन एजेंट हैं इन तमाम को 15 जुलाई के लिए तलबी का समन जारी हो चुका है। FIA एंटी करप्शन सर्कल इनके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं। ऑलरेडी जो SCCP है उनकी जानिब से भी इंक्वायरी का कहा गया है, और जहाँ तक अकाउंट्स का ताल्लुक है स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को एक लेटर लिखा गया था कि इनके अकाउंट्स का सुराग लगाया जाए, और इनके ऊपर आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। आपको फिर मैं कह रहा हूँ, स्मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज में जिन लोगों का पैसा है वो खुदारा अपना पैसा वापस निकाल लें। इन्होंने फ्रॉड करना है, इन्होंने स्कैम करना है। जहाँ तक जो वॉलेट एड्रेस का मैंने आपको कहा था कि दो वॉलेट एड्रेस हैं, एक कोई अहमद नाम का है और एक अब्दुल कुद्दूस नाम का है, बाइनेंस के वॉलेट अकाउंट हैं, UBL DHA में बैंक अकाउंट्स हैं वो, और वो इनके ज़रिए पैसा बाहर भी भेज रहा है, हुंडी का काम भी कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो एंटी करप्शन सर्कल इंक्वायरी कर रहा है उसमें भी सामने आएंगी, जो कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इंक्वायरी कर रहा है उसमें भी सामने आएंगी। अब यहाँ पे नाजरीन आपको करना ये है कि खुदा रहा अगर आपके वाकई ही हलाल के पैसे हैं तो आप इन नौसरबाजों से अपने पैसे वापस लें, वरना देख लें ISMR के इन्वेस्टर्स अभी तक रो रहे हैं, अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर अभी तक रो रहे हैं, फॉर यू रियल ट्रेडर्स के इन्वेस्टर वो भी अब रोना शुरू हो चुके हैं, और अगले 1 से 2 हफ्तों के अंदर अंदर स्मार्ट ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी रोना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो इंक्वायरी शुरू हुई है नाजरीन, वो आप एक वेल्थ गुरुज़ कंपनी आई थी, ये मैं एक नोटिस चला रहा हूँ, इनको भी तलबी का समन जारी हुआ है। ये राजा वकार अहमद जफ़र हैं, CEO हैं वेल्थ गुरुज़ के, इनको भी तलबी का समन जारी हुआ है, और इनको भी 15 जुलाई को FIA एंटी करप्शन सर्कल ने बुलाया है। अनायतुल्ला इंस्पेक्टर हैं, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जो एक और कंपनी थी जिसके ऊपर मैग वेंचर्स के ऊपर भी मैं प्रोग्राम कर रहा था, मैग वेंचर्स के जो राना फयाज अली हैं उनको भी इंक्वायरी की तलबी का समन जारी हुआ है, जबकि जो इसके मालिक हैं दूसरे सैयद मोहसिन शाह हैं उनको भी तलबी का समन जारी हुआ है। अब तमाम जो, क्योंकि इदारों ने अब एक बात जो है वाज़े तौर पर कह दी है कि जो भी कंपनी फ्रॉड कर रही है, इस वक्त मार्ज वजूद में है, सोशल मीडिया के ऊपर एडवर्टीजमेंट कर रही है, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करें, और FIA एंटी करप्शन सर्कल इंक्वायरी कर रहा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक डेस्क कायम किया गया है कि तमाम कंपनीज का सुराग लगा रही है कि जो जो लोग पब्लिक से मनी कलेक्ट कर रहे हैं इलीगली तौर पर, उनके खिलाफ अब इंक्वायरियाँ बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुकी हैं। और अब लगता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो भी कंपनी सर उठाएगी उस कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। जहां तक समीर जदून की कंपनी का ताल्लुक है, सुल्तान एंड सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनीज़, इनके खिलाफ भी इंक्वायरी का आर्डर हो चुका है, क्योंकि समीर जदून साहब के साथ भी बहुत से वही कमीशन एजेंट हैं जिन्होंने अल हयात में, जो कहते थे कि अल हयात ता हयात, वहाँ पर चूना लगाया, अब समीर जदून के साथ मिलकर वो दोबारा पाकिस्तानी आवाम को चूना लगाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ भी इंक्वायरी का हुक्म हो चुका है। फिर मैं अपने प्रोग्राम में नाज़रीन कहता हूँ कि जो भी कंपनी का मालिक अपने मौकफ से आगाह करेगा हम उसको भी चलाएंगे, क्योंकि हमारा स्टांस एक स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि कोई भी कंपनी महाना 5 से 7% भी जनरेट नहीं कर सकती। टोटली मनी रोटेशन है। लोग कहते हैं हम सोलर का बिज़नेस कर रहे हैं, पिंक सॉल्ट का बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, एप्पल स्टोर का बिज़नेस कर रहे हैं, टोटली ये फ्रॉड है। तो खुदा रहा इन कंपनीज़ वालों के पास जाकर अपना वक्त भी ज़ाया ना करें और अपना पैसा भी ज़ाया ना करें। अगर आपको बहुत शौक़ है तो आप अपना कोई बिज़नेस शुरू कर दें। ऑनलाइन वेबसाइट के ज़रिए आप गारमेंट्स का बिज़नेस कर सकते हैं, बच्चों के टॉयज़ का बिज़नेस कर सकते हैं, दीगर और कहीं चीज़ें हैं। अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो ऑनलाइन अपना बिज़नेस शुरू करें, बजाय इन नौसरबाजों को पैसे देने के। उसके बाद 6 माह बाद यही इन्वेस्टर रो रहे होते हैं कि उनको जमा पूंजी से महरूम कर दिया गया है। अगले प्रोग्राम तक लेबरे मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।